जेडीयू में मची उथल पुथल के बीच उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं। कुशवाहा बिहार के 38 जिलों की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मकसद जेडीयू का संगठन मजबूत करना है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह ही पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से बिहार यात्रा का आगाज किया है। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद से जारी जेडीयू में खींचतान के बीच कुशवाहा की यात्रा पर सबकी नजर टिकी हुई है। राजनीति गलियारे में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी वर्करों को यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करने का निर्देश दिया है। वहीं बगहा में वर्करों को संबोधित किया। इस दौरान कुशवाहा ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज का भी समर्थन पार्टी को हासिल है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को फिर से बिहार की नंबर वन पार्टी बनाना ही उनका लक्ष्य है। ठीक है, पहले गलतफहमी लोगों ने पैदा की, लेकिन अब गलतफहमी पैदा करने वालों का नहीं चलेगा। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। हमने यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा है कि जनता ने यूनाइटेड को नंबर वन की पार्टी बनाने का काम करना है। नंबर वन की पार्टी बनाने की दिशा में यह यात्रा है। हमारी कोशिश है समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ना, मजबूती से खड़ा करना, और इस काम में हम लगे। और इसी क्रम में आज आपके बीच है, फिर आगे हमारी यात्रा पूरे बिहार के 38 जिलों में अलग अलग तारीख में होगी। हर जिला में एक दिन प्रवास का काम निर्धारित है और उसके अनुरूप हमारा कार्यक्रम चलेगा। तो जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि जेडीयू को फिर से नंबर वन की पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का काम करना है। वहीं कुशवाहा का कहना है कि बिहार यात्रा में हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस समर्थन को देखकर ही लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जेडीयू बिहार में पहले नंबर की पार्टी बनेगी। अभी तो चंद ही कुछ जगह पर हम गए हैं, पूरा बिहार अभी बाकी, लेकिन जहाँ जहाँ गए हैं मेरा विश्वास और पक्का हुआ है। लोगों के रुझान को देखकर, लोगों के आकर्षण और उत्साह को देखकर, समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी को देखकर हमारी इस यात्रा में, उसको देखकर मेरा विश्वास और पक्का हुआ है कि जेडीयू को नंबर वन की पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। कुशवाहा के हाथ बिहार यात्रा की जिम्मेदारी सौंपने से ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार उन पर भरोसा कर रहे हैं। पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा भरने की जिम्मेदारी उपेंद्र कुशवाहा को देने से जेडीयू का लव कुश समीकरण भी मजबूत हो रहा है। क्योंकि जेडीयू में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलती है, ऐसे में आरसीपी सिंह जो हाल ही में केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, वो दो पदों पर आसीन है। इसलिए हो सकता है कि कुशवाहा के कंधे पर ही आने वाले वक्त में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।